हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। देखिए, आज मैं एक नया क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। नया क्लास मीन्स आप समझ रहे होंगे कौन सा क्लास होगा। एक्चुअल में हमारे चैनल में क्लास 9 से लेकर 12th क्लास के इंग्लिश मीडियम के मैथ्स और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड हुए हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन हिंदी मीडियम में हमारा जो वीडियो है, हमारा जो क्लास है, वो सिर्फ 11th और 12th क्लास के लिए है। नेचुरली आप लोग कमेंट्स में पढ़ते भी होंगे कि बहुत से हिंदी मीडियम के बच्चों का रिक्वेस्ट है, कमेंट्स है कि सर हम 9th-10th क्लास के हिंदी मीडियम के बच्चे बस हमारे लिए कुछ भी नहीं हैं और हमको आप पढ़ा दीजिए, प्लीज़ पढ़ा दीजिए बहुत से। तो मैंने आज प्लानिंग की कि मैं हिंदी मीडियम का जो क्लास लेता हूँ ओनली 11th-12th, उसको अब 9th क्लास से मैं 12th तक लूँगा। दैट मीन्स अब मैं 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो बनाऊँगा और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली इस बात को मैं थोड़ा सीरियसली इसलिए भी सोचा कि 9th और 10th क्लास क्या है, IIT JEE और NEET का फाउंडेशन क्लास है। मतलब यदि आप इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हों चाहे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हों, आपका फाउंडेशन 9th क्लास से ही बनना स्टार्ट हो जाता है। तो 9th क्लास और 10th क्लास में यदि आपका बेस पुअर हो तो 11th में थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है। तो इंग्लिश मीडियम में तो 9th क्लास से 12th तक मेरे चैनल में वीडियो अवेलेबल है, हिंदी के नहीं थे। तो मैं उस कमी को दूर करने के लिए आज स्टार्ट कर रहा हूँ 9th और 10th क्लास का क्लास हिंदी मीडियम के लिए। तो आज मेरा पहला क्लास मैं 10th के स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ फिजिक्स, और उसमें मेरा टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश एक बड़ा टॉपिक है और आगे चल के आपको 12th क्लास में उसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। एक्चुअल में 10th का जो सिलेबस है फिजिक्स का, वो आगे चल के 12th में पढ़ा जाता है, और 9th क्लास का जो फिजिक्स है वो 11th क्लास में पढ़ा जाता है। इसलिए हमेशा हम 11th और 12th क्लास में जब बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को 11th के क्लास में हम 9th को रिविज़न करने के लिए बोलते हैं और 12th क्लास में हम 10th के साइंस को रिविज़न करने के लिए बोलते हैं। अब दूसरी बात ये कि अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, अभी तो हमारा जो रिसेंटली आपका जो बैच है जो इसको देख रहा है, वो COVID-19 के प्रॉब्लम वाले ईयर का बैच है जिसमें सिलेबस कम हो चुके हैं। मैंने पूरे स्टेट बोर्ड के सिलेबस की स्टडी किया इस वीडियो को बनाने के पहले, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, गुजरात बोर्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सभी बोर्ड का, सभी बोर्ड ने कहीं 30% कहीं 40% सिलेबस कम कर दिया है। और एक तरह से इस साल का जो एग्ज़ाम है वो तो समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत फॉर्मेलिटी जैसी हो जाएगी जैसे लग रहा है। लेकिन मेरा आपको सजेशन है कि आप फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, भाई आप जब 12th पास करने के बाद IIT JEE या NEET के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ सिलेबस तो ये सोच के कम नहीं किया जाएगा कि आप 10th क्लास में थे तो COVID-19 वाला प्रॉब्लम था, ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए स्टूडेंट्स, आपको मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि भले ही आपके सिलेबस कम हो गए लेकिन आप अपनी पढ़ाई को कमज़ोर मत करिए, आप डिटेल में पढ़िए। भले ही जब आपका एग्ज़ाम पास होगा तो ओनली उतने ही सिलेबस रिवाइज करना जो आपके सिलेबस में, लेकिन अभी आप पूरा पढ़िए। इसलिए मैं वीडियो 100% प्रोवाइड कराऊंगा। मेरा उद्देश्य एक छोटा उद्देश्य नहीं है कि हम 9th और 10th क्लास में अच्छा मार्क्स लाएं, मेरा बड़ा उद्देश्य है कि हम 9th-10th क्लास में अच्छा मार्क्स लाने के साथ साथ फ्यूचर में कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी निकाल सकें। तो जिस उद्देश्य के साथ मैं आपको कंटेंट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, मेरा सजेशन है कि उसी के उद्देश्य को लेके आप भी मेरे साथ मेहनत करिए। तो चलिए आज हम प्रकाश स्टार्ट करते हैं। और चूंकि यह मेरा 10th क्लास का मेरा सिलेबस है, इसलिए मैं बेसिक चीज़ों को बहुत जीरो से स्टार्ट करके आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि मेरे स्टूडेंट्स का जो बेसिक है फिजिक्स का, 9th-10th क्लास पढ़ाने का मेरा पर्पज़ ही यही है कि आपका बेसिक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, बहुत कम सिलेबस है, कुछ हड़बड़ी नहीं है, हम हर टॉपिक पर इतना डिटेल डिस्कस करें कि आगे चल के हमको उसका फ़ायदा हो, ठीक है। प्रकाश, इंग्लिश में कहते हैं उसको ऑप्टिक्स। सभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मेरा सजेशन है कि आप टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में भी, मेरे सभी हिंदी मीडियम के वीडियो में हर फिजिक्स और मैथमेटिक्स के टर्म को
मैं इंग्लिश में भी बताता हूँ, क्योंकि आगे चल के आप उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो कम से कम जो वैज्ञानिक शब्दावली है उसको आप इंग्लिश में तैयार करिए। प्रकाश को हम इंग्लिश में ऑप्टिक्स कहते हैं, और वास्तव में हम प्रकाश पर डिस्कस करें तो प्रकाश है क्या चीज़। प्रकाश बहुत डिटेल स्टडी है फिजिक्स में। ऑप्टिक्स एक पूरा ब्रांच होता है फिजिक्स का, जो आगे जैसे जैसे आप बड़े क्लास में जाएंगे उतनी गहराई से आप पढ़ते जाएंगे। तो प्रकाश वास्तव में क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। जैसे ब्रह्मांड में ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं, तो प्रकाश भी क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, जो बेसिकली सूर्य के चारों ओर जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूज़न की जो घटना होती है, वहाँ से एनर्जी जो निकलता है, ऊर्जा निकलता है, जो सूर्य के प्रकाश के रूप में हम तक पहुँचता है, जो वास्तव में ऊर्जा कण होते हैं जिसको हम फोटॉन कहते हैं, के रूप में हमको प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसको मैं आपको बता दिया बेसिक, लेकिन इसका डीप स्टडी आप मॉडर्न फिजिक्स में 12th क्लास में। फिलहाल आपको इतना जानना है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसको फोटॉन पार्टिकल्स, फोटॉन बंडल के फॉर्म में हम तक पहुंचता है। अब प्रकाश का जो स्टडी है, प्रकाश का जो अध्ययन है, वो हम मुख्य रूप से दो पार्ट में बांट के प्रकाश का अध्ययन करते हैं। मैं आपको शुरू से बताया कि मैं 9th और 10th क्लास में कोशिश करूंगा कि मैं इतना बेसिक चीज पर बात करूं कि जो पढ़ा दूं मैं तो फिर स्टूडेंट्स को उसके बारे में कुछ और जानने का जरूरत ना हो, इसलिए आप उसको बहुत ध्यान से समझिए। प्रकाश के दो तरह से प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। एक कहलाता है किरण प्रकाश की, किरण प्रकाशिकी। एक्चुअल में प्रकाश ऑप्टिक्स को हम प्रकाशिकी कहते हैं। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश नहीं होता, प्रकाश मतलब तो लाइट होता है, ये एक्चुअल में प्रकाशिकी है। ऑप्टिक्स मतलब होता है प्रकाशिकी, और प्रकाश मतलब लाइट, मतलब वही है। तो किरण प्रकाशिकी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। और दूसरा होता है तरंग प्रकाशिकी। आप यदि इस क्लास को बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद जब हायर क्लास में जाएंगे तो आपको बेसिक चीज के लिए कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आप ध्यान दीजिए। और बल्कि मेरा तो सजेशन है कि यदि कुछ 11, 12 के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके पास टाइम होगा तो उनका बेस पुअर होगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा आप मेरे 9th 10th के वीडियो को एक बार ऐसे इंटरटेनमेंट जैसा देख लीजिए। आदमी अपने टाइम पास के लिए कुछ भी इधर उधर की चीज़ें देखते रहता है, उसके बजाय आप मेरे 9th 10th के फिजिक्स के वीडियो देख लीजिए, तो आपका बेसिक बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। बाय द वे अच्छा नहीं है तो, अच्छा है तो अच्छी बात है, तो उनके लिए भी यूजफुल है ये किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की में जो अध्ययन किया जाता है, बेसिकली इसका अध्ययन सबसे पहले न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने किया, न्यूटन ने किया, वैसे तो बहुत से वैज्ञानिकों ने किया, लेकिन किरण प्रकाश की का पहला अध्ययन न्यूटन ने सिस्टमेटिक किया, और तरंग प्रकाश की को बताया हाइगन ने। हाइगन नाम के साइंटिस्ट ने तरंग प्रकाश की के बारे में बताया। किरण प्रकाशिकी में प्रकाश के उस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि प्रकाश हमेशा क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने का जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन में, वो किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और तरंग प्रकाशिकी में पढ़ा जाता है इसके तरंग प्रकृति को, मतलब प्रकाश तरंग के रूप में भी गमन करता है, ये बात हाइगन ने बताया, मतलब प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। और ये वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन हम तरंग प्रकाश की को अभी छोटे क्लास में नहीं पढ़ेंगे। एक बार मैं इसका क्लासिफिकेशन बता दूं, किरण प्रकाश की के अंतर्गत प्रकाश के तीन गुणों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले अपवर्तन या परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण, ये प्रकाश के तीन गुणों का अध्ययन किया जाता है किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत। और तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत से तीन गुणों का अध्ययन किया जाता है, वह है व्यतिकरण। नाम बस आप सुन ले रहो, आगे काम आएगा, व्यतिकरण या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकता है। व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये तीन प्रकृति हैं।
अभी सबको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण। अपवर्तन मतलब रिफ्रेक्शन, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन, ये इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन। ये आपके क्लास का नहीं है लेकिन मैं बता दूं, ये चीज आप पढ़ोगे 12th क्लास में, 12th फिजिक्स में इसको आप डिटेल में पढ़ोगे। और ये जो तीनों हैं इसको हम अभी 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं, 10th क्लास में, और प्लस आगे 12th में भी पढ़ोगे, लेकिन वो सीधा 12th में पढ़ोगे क्योंकि ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। तो ये मैंने आपको एक ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन बताया, और अभी हमको इस क्लास में अपवर्तन पढ़ना है, परावर्तन पढ़ना है और थोड़ा सा वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण मतलब प्रकाश के अपने 7 रंगों में विभाजन, और कलरफुल वर्ड मतलब रंगीन दुनिया, रंगीन दुनिया मतलब नेत्र पढ़ेंगे, मानव नेत्र पढ़ेंगे। तो ये तीन टॉपिक हमको अभी आपके इस क्लास में पढ़ना है, और याद रखना इसको आगे चल के आपको 12th में भी पढ़ना है इंक्लूडिंग दिस उसके साथ में। तो ये मैं एक आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया, पढ़ाई का आपको स्टार्ट ऐसे ही करना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ उसके क्या क्या ब्रांचेस हैं, मुझे आगे आगा। एक्चुअल में लाइफ में सक्सेस का फंडा ये है कि आप में दूरदर्शिता होना चाहिए। आप 9th क्लास में हो लेकिन आपको 11th 12th के बारे में भी, IIT JEE के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हो कि आगे मुझे क्या करना है। जो सिर्फ आज का सोचेगा वो बहुत दूर तक नहीं जा सकता। हमको, हमारे पास एक प्री प्लानिंग होनी चाहिए कि आगे मुझे क्या क्या करना है। तो मैं अपने क्लास में इस बात के लिए भी कोशिश करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स के पास एक प्री प्लानिंग होना चाहिए। वो मैं बताऊँगा तो आप समझोगे, मैं आपसे डिस्कस ना करूँ तो आप ऐसा नहीं सोच पाओगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये आपको मैं बताया कि प्रकाश में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से, परावर्तन से। तो ये मैं बताया, अब हम पढ़ेंगे परावर्तन, उसके बाद अपवर्तन पढ़ेंगे और थोड़ा सा वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे, क्लियर। तो अब मैं अपने 10th क्लास के सिलेबस पर आता हूँ और स्टार्ट करता हूँ क्या, परावर्तन, रिफ्लेक्शन। तो ये इंट्रोडक्शन मैं अब यहाँ से इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, फिर हम पढ़ते हैं परावर्तन। देखिए, प्रकाश एक ऐसा टॉपिक है, फिजिक्स का सबसे कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम इसको बचपन से पढ़ते हैं। आपको याद होगा, आपको बचपन में साइंस पढ़ाया गया होगा, आपके टीचर ने बताया होगा कि प्रकाश सीधे, ठीक है। हम साइंस के छोटे छोटे क्लास के, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में भी, मैं हमेशा जब स्टूडेंट से प्रकाश पर डिस्कस करता हूँ तो एक बार ज़रूर बोलता हूँ कि हम आगे जा के फिजिक्स की कितनी भी पढ़ाई कर लें, फिजिक्स पर हम रिसर्च करें, हम साइंटिस्ट हो जाएं, लेकिन एक बात हमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि ज़िंदगी में फिजिक्स का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमको जो बताया गया था वो प्रकाश था। आप याद करिए, मैं खुद अपने बचपन को याद करूं तो क्लास 3 क्लास 4 में हमको प्रकाश के बारे में पढ़ाया जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, दर्पण में देखें तो एम्बुलेंस ऐसा लिखा हुआ दिखाई देता है, ये सब चीज़ हमको बचपन में पढ़ाया जाता है, समतल दर्पण। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती ही हम शुरुआत में पढ़ते हैं और यहीं से हमारा फिजिक्स का एंट्री होता है। एक्चुअल में हम कोई इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स हमको बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, बच्चों को प्रकाश, ध्वनि, ऐसे चीज़ों के बारे में फिजिक्स पढ़ाया जाता है जिसको हम देखते हैं, महसूस करते हैं, क्योंकि उनको जल्दी समझेगा। तो प्रकाश बहुत बेसिक चीज़ है जिसको हम बचपन से पढ़ते आते हैं, जिसमें हम पहली घटना हम पढ़ते हैं परावर्तन, क्लियर। हम सबसे पहले पढ़ेंगे परावर्तन, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि एक्चुअल में परावर्तन है क्या, परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए, परावर्तन एक बहुत सामान्य सी घटना है, मैं इसको सिस्टमेटिक बताऊं इससे पहले आपको कुछ एग्जांपल दूं कि परावर्तन के कारण ही हम चीजों को देख पा रहे हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको फिलहाल नहीं देख पा रहा हूँ ना। यदि ऑफलाइन क्लास होता मैं बोलने वाला था कि जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ, लेकिन सॉरी, क्या करें, ऑनलाइन क्लास है, आप मुझे देख पा रहे हैं, आपको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन इस कमरे में और जो वस्तु उनको सबको मैं देख पा रहा हूँ, है ना। तो हम एक दूसरे को देख पाते हैं, इसके पीछे कौन सी घटना है, परावर्तन है। कैसे, यदि परावर्तन ना हो तो हम चीज़ों को देख ही नहीं पाएंगे। किस तरह से, कि प्रकाश की किरणें वस्तु पर आपतित होती हैं, आपतित होने के बाद वस्तु से टकराती हैं, अभी सब फिगर बना के समझाऊंगा मैं आपको, और वस्तु से टकरा के वो हमारे आँख में प्रवेश करती हैं, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। मतलब प्रकाश की उपस्थिति और प्रकाश का परावर्तन, इससे ही हम किसी चीज़ को देख पाते हैं।
सपोज जिस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ लाइट ऑफ हो जाए, अंधेरा हो जाए, तो मैं चीज़ों को नहीं देख पाऊंगा। क्यों नहीं देख पाऊंगा? क्योंकि प्रकाश अनुपस्थित हो गया। तो प्रकाश की उपस्थिति में हम चीज़ों को देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वस्तु प्रकाश को परावर्तित करता है। यदि वस्तु प्रकाश को परावर्तित ना करे, जैसे मेरे सामने हवा है, एयर है, लेकिन एयर को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि प्रकाश का परावर्तन नहीं कर रहा है, वो प्रकाश को अपने में से पार होकर बाहर आगे ले जा रहा है। यदि हवा भी प्रकाश का परावर्तन करता तो इस कमरे के जैसे सारे चीज़ मुझे दिख रहे हैं, वैसे हवा भी दिखाई देता। तो किसी वस्तु के दिखाई देने का जो सबसे बेसिक फंडा है वो क्या है? परावर्तन है। अब परावर्तन होता कैसे है, देखिए। परावर्तन के लिए हम यहाँ पर सपोज़ कर लें कि सपोज़ हमारे पास ये कोई एक सतह है, ये हम इसको दर्पण ही मान लेते हैं, इस तरह से लाइनिंग करते हैं इसको हम, वैसे ये परावर्तक सतह है। दर्पण क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको। ये एक परावर्तक सतह है। यहाँ पर मैंने एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से आपतित की, इसको बोलते हैं आपतित किरण। यह है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आपतित किरण, जो प्रकाश की किरण आती है उसको आपतित किरण कहते हैं। अब जिस बिंदु पर ये आपतित होती है, यहां पर हमको खींचना होता है एक अभिलंब। यह है अभिलंब या खाली लंब कह सकते हैं, माने इस बिंदु पर लंब खींचा गया है। तो जब यहाँ पर आपतित होती है, बार टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह है सपोज, यह है परावर्तित किरण, परावर्तित ना, परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे ये, और ये है आपतन बिंदु। ये है परावर्तन की घटना। तो परावर्तन का परिभाषा क्या होगा? प्रकाश की किरणों का किसी सतह में टकराना और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाना, क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्लियर? प्रकाश की किरणों का किसी सतह पर टकराना और टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना, ये प्रकाश की एक किरण है। इस सतह पर टकराया और टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हो गया? वो वापस लौट गया। इस घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन। अब ये जो किरणें आती हैं उसको आपतित किरण कहते हैं, जो परावर्तित होती है उसको परावर्तित किरणें कहते हैं, और यहाँ पर खींचा जाता है एक लंब। अब यहाँ पर हम देखें तो आपतित किरण और लंब के बीच में जो कोण बनता है, ये इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, और परावर्तित किरण और लंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? और यहाँ पर ये जो I है, इस I को कहा जाता है आपतन कोण। I क्या है यहाँ पर? आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और R क्या है? परावर्तन कोण। ये कहलाता है परावर्तन कोण। ये हुआ आपतन कोण और परावर्तन कोण। अब हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ नियम जिसको हम कहते हैं परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम, तो परावर्तन के हमारे पास दो नियम हैं। पहला नियम कहता है आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही सतह पर होते हैं। देखिए तीनों एक ही सतह पर हैं, ये ऐसा नहीं कि इस सतह पर है, लंब यहाँ पर है और परावर्तित किरण यहाँ पर है, ऐसा नहीं है। दैट मीन्स तीनों किरणें कहाँ हैं? एक ही सतह पर हैं। तो पहला नियम क्या कहलाता है? आपतित किरण आपतित किरण, लंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल पर होते हैं या एक ही सतह पर होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं। क्लियर? वैसे इंग्लिश मीडियम का मेरा नोट्स अवेलेबल है मेरे चैनल पर, जिसको डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता है। 11th 12th के मेरे स्टूडेंट इसी तरह से पढ़ते हैं। 11th का थोड़ा भी डिले है, आपके भी क्लास का मैं इस तरह से लिखने का मतलब नहीं होता, समझ में आ जाता है। इसका नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, लेकिन अभी मुझे हिंदी मीडियम का नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो आप परेशान मत होंगे, थोड़ा लेट होगा लेकिन मैं डालूंगा। अभी आप वीडियो से पढ़िए, समझिए, और हो सके
तो यहीं से पढ़ के आप अपना खुद का नोट्स बनाइए। देखिए, अपना खुद का नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है, लेकिन मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। आपतित किरण, लंब तथा परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? एक ही सतह पर होते हैं, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम है I बराबर R, मतलब आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर ये कोण इसके बराबर होता है, ये परावर्तन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। यदि हम किसी प्रकाश की किरण को 30 अंश के कोण से आपतित करेंगे तो वह 30 अंश का कोण बना के ही क्या होगा? परावर्तित होगा। क्लियर? तो इस प्रकार से आपतित किरण क्या होता है? परावर्तित किरण के आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर। ये दो नियम आप इसको याद रखेंगे कि ये क्या कहलाता है? परावर्तन का नियम। ये हुआ परावर्तन का बेसिक फंडामेंटल। अब हम पढ़ेंगे दर्पण कि वास्तव में परावर्तन सबसे ज़्यादा किससे होता है? दर्पण से। तो पूरा चैप्टर का जो हमारा स्टडी है एक्चुअल में दर्पण के स्टडी पर आधारित है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? दर्पण पढ़ेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अब हम पढ़ते हैं दर्पण। दर्पण आप सबने देखा है, दर्पण के बिना हमारा काम नहीं चलता है ना। रेगुलर अपन मिरर देखते हैं, किस किस तरह का मिरर देखते हैं, क्या होता है, तो यहाँ पर हम आज डिटेल अध्ययन करने वाले हैं दर्पण का मिरर। तो भाई दर्पण किसे कहते हैं? देखो, दर्पण किसे कहते हैं बोलूंगा तो आप तुरंत बोलोगे कि सर जो प्रकाश के किरणों का परावर्तन करता है वो दर्पण कहलाता है। हर कोई यही जवाब देता है कि जो प्रकाश की किरणों का परावर्तन करता है उसे हम दर्पण कहते हैं। लेकिन अभी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हर वस्तु प्रकाश का परावर्तन कर रहा है, मैं भी प्रकाश का परावर्तन कर रहा हूँ। यहाँ पर जो लाइट लगा हुआ है वो मेरे शरीर में आपतित हो रहा है, इससे परावर्तित हो रहा है, परावर्तित होकर कैमरे में जा रहा है। कैमरा मतलब अभी आपका वो आई है, अभी आप मुझे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो कैमरा ही आपका आँख है। यदि आप सीधा क्लास में होते तो कैमरे का जरूरत नहीं था, आप मेरे को सीधा आँख से देखते, अपने खुद के आँख से देखते। तो कैमरा भी यहाँ पर आई का रोल कर रहा है। तो क्यों देख पा रहे हैं आप मुझे? क्योंकि मैं प्रकाश की किरणों का परावर्तन कर रहा हूँ। तो क्या मैं दर्पण हूँ? नहीं, मैं तो दर्पण नहीं हूँ। या कोई भी वस्तु जिसको मैं देख पा रहा हूँ सबके सब प्रकाश का परावर्तन कर रहे हैं, तो क्या वो दर्पण है? नहीं है। तो फिर दर्पण क्या है? यदि हम दर्पण का इतना छोटा परिभाषा कर दें कि जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है, तो इस परिभाषा में तो सब चीज़ को दर्पण कहना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। तो दर्पण की फिर क्या परिभाषा है? दर्पण की परिभाषा है कि ऐसी युक्ति जो लगभग, पूरा तो नहीं कहना चाहिए, लगभग यहाँ कहना जरूरी है, अभी बताऊंगा क्यों, जो लगभग 100% प्रकाश का क्या करता है? परावर्तन करता है। यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया है लगभग, एप्रोक्स। ये क्या है? देखो, फिलहाल तो अभी उसको 100% मान के चलो आप। जो प्रकाश की किरणों का 100% प्रकाश का परावर्तन करता है वो दर्पण कहलाता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दिया तो मैं आपको दिख रहा हूं, लेकिन मैं 100% प्रकाश का परावर्तन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जितनी प्रकाश की किरणें मेरे शरीर पर, मेरी बॉडी पर आपतित हो रही हैं, उनमें से बहुत प्रकाश किरणों को मैं अवशोषित कर ले रहा हूँ और बाकी को परावर्तित कर रहा हूँ, इसलिए मैं दर्पण नहीं हूँ। दर्पण होने का मतलब है, दर्पण ऐसी युक्ति है जो प्रकाश के किरणों का 100% परावर्तन कर दें, लेकिन वास्तव में व्यवहार में कोई भी सतह ऐसा नहीं है जो पूरा 100% प्रकाश के किरणों का परावर्तन कर दे, वह एक आदर्श स्थिति है। इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर? लगभग, लेकिन वह मैक्सिमम, अधिकतम प्रकाश की किरणों का क्या कर देता है? वो परावर्तन कर देता है, वो दर्पण कहलाता है। क्लियर? तो ये दर्पण का सबसे सटीक डेफिनेशन है, जो लगभग 100% प्रकाश का परावर्तन करता है वो दर्पण कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रकार, दर्पण के प्रकार, कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, प्लेन मिरर।
और दूसरा होता है गोली दर्पण। गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर। ये और फिर गोली दर्पण के इसके फिर दो प्रकार होते हैं। गोली दर्पण के फिर दो प्रकार होंगे, एक होता है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स और दूसरा होता है अवतल कॉनकेव। ये है दर्पण का, समतल दर्पण गोली दर्पण। नाम से स्पष्ट है समतल दर्पण का मतलब क्या होगा, ऐसा दर्पण जिसका सतह क्या हो, समतल हो, जिसको हम डेली अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं। अपने चेहरा देखने के लिए हम समतल दर्पण यूज़ करते हैं, आप सब उसको रोज़ यूज़ करते हैं, सबको आपको पता है ये समतल दर्पण है जिसका सतह समतल हो। दूसरा होता है गोली दर्पण, मतलब जिसका सतह क्या हो, गोलाकार हो, वो गोली दर्पण कहलाता है। फिर वो उत्तल अवतल होता है, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं इसका प्रकार बताया और अब हम पढ़ेंगे क्या, सिर्फ समतल दर्पण। क्लियर, ये है दर्पण का प्रकार, कितने प्रकार होता है। अब हम देखते हैं कि दर्पण क्या है। लेकिन दर्पण पढ़ाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, वो है प्रतिबिंब। क्योंकि ये सब क्या बना रहे हैं, प्रतिबिंब बना रहे हैं, इमेज। प्रतिबिंब मतलब इमेज, प्रतिबिंब को हम इंग्लिश में इमेज कहते हैं। हर दर्पण क्या करता है, इमेज बनाता है। आप मुझे भी इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि मेरा इमेज बन रहा है। जब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा तब तक क्या होगा, हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वस्तु का ही प्रतिबिंब बनता है। तो इमेज का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना और इससे रिलेटेड जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो पूरे प्रकाश पढ़ते तक नहीं भूलना, जिंदगी भर नहीं भूलना, अदरवाइज उसके बिना कुछ काम नहीं चलेगा। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता कैसे है, प्रतिबिंब हम कैसे बनाते हैं, तो प्रतिबिंब बनने के लिए दो घटना जिम्मेदार है, अपवर्तन या परावर्तन। अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बनता है। फिलहाल तो हम परावर्तन पढ़ रहे हैं और आगे हम अपवर्तन भी पढ़ने वाले हैं। तो प्रतिबिंब दोनों घटनाओं में बनती है, ठीक है, परावर्तन में भी हम प्रतिबिंब बनाते हैं और अपवर्तन में भी बनाते हैं। तो कैसे होता है, इसका परिभाषा क्या है, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, ध्यान से सुनिए आप डेफिनेशन को, वैसे मैं PDF में नोट्स में सब डालूंगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर एक दूसरे को मिलती हैं मतलब काटती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, दोनों बात कर सकते हैं, या तो वास्तव में मिलती हुई, या तो वास्तव में मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी। इन चीज़ों को आगे मैं आपको और डिटेल में बताते जाऊंगा। आज का तो क्लास मेरा कंप्लीट बेसिक है और आज मैं स्टार्ट किया हूं, तो चीज़ों को मैं उस ढंग से बता रहा हूं बेसिक के हिसाब से, फिर हम डेप्थ में भी आगे जाते जाएंगे। तो मैं क्या परिभाषा बताया, ध्यान से सुनिए आप, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है या प्रतिबिंब होता है। मतलब प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश के किरणों का मिलना या काटना आवश्यक है। क्लियर, यह कहलाता है प्रतिबिंब। अब यहां पर हम देखते हैं प्रतिबिंब के प्रकार, कि प्रतिबिंब भी दो प्रकार का होता है, प्रतिबिंब का प्रकार। तो प्रतिबिंब का दो प्रकार कौन कौन सा होता है, प्रतिबिंब का पहला प्रकार है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक इंग्लिश बोलेंगे रियल, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा आभासी प्रतिबिंब, आभासी मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी या वर्चुअल भी बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक है, जनरली हम इसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं, आभासी और वास्तविक। तो अब ये आभासी और वास्तविक क्या हुआ, नाम से स्पष्ट है, वास्तविक मतलब हुआ कि जब प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती, मैंने परिभाषा में क्या बोला था कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, ये आगे आप उसको समझते जाएंगे। तो जब वास्तव में जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हैं तो वहाँ जो इमेज बनेगा उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और यदि वो एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं, काटती हुई लगती हैं, तब हम उसको क्या कहेंगे,
आभासी कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे, क्लियर। इनको पहचानने का तरीका क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा, ये ध्यान रखना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। ये कभी नहीं भूलना आप, उल्टा और सीधा। यदि प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है, जैसे ये मेरे पास मार्कर है और इसको मैं किसी दर्पण में देखूं तो उसका प्रतिबिंब ऐसा दिखे, ये नीला कैप नीचे आ जाए, तब उस प्रतिबिंब को मैं क्या कहूँगा, वास्तविक। और यदि मैं इसको किसी दर्पण के सामने रखूं और इसका ऐसा ही इमेज बने, सीधा बने, तो आभासी वो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी। इसको इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार उल्टा बोल डालते हैं कि सर वास्तविक प्रतिबिंब सीधा होता है और आभासी उल्टा। उनके दिमाग में क्या आता है पता है आपको, खासकर छोटे क्लास में उनके दिमाग में क्या आता है कि जो वास्तविक है, जो सही चीज़ है वो तो सीधा रहेगा, ऐसा दिमाग में कन्फ्यूज़न आ जाता है कि वास्तविक है तो उसको क्या होना चाहिए, सीधा। लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तविक उल्टा होता है और आभासी सीधा। तो मैं आपको इसको याद करने का बढ़िया ट्रिक्स बता रहा हूँ, आभासी। तो ये शब्द जब कंप्लीट हो रहा है तो लास्ट में क्या आ रहा है, सी, ये सी आ रहा है, और यहीं से शुरू कर दो क्या, सीधा, ऐसा सीधा, क्लियर। तो आभासी प्रतिबिंब ऐसा याद रह जाएगा, अब तो कभी नहीं भूलोगे, आभासी, और सी से तुरंत शुरू कर दो सीधा, आभासी सीधा, तो कभी नहीं भूलोगे। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। ये प्रतिबिंब के बारे में आप ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये हुआ दर्पण, दर्पण के दो प्रकार, समतल दर्पण, गोली दर्पण, और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के दो प्रकार, वास्तविक और आभासी। तो आज का जो मेरा क्लास है वह प्रकाश के बेसिक फंडामेंटल पर था, शुरुआत है, और आप मैं यहीं पर अपने क्लास को आज क्लोज कर रहा हूं, और नेक्स्ट आपको टारगेट देके जा रहा हूं कि नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊंगा तो हमारा टोटल पढ़ाई फोकस होगा किस पर, समतल दर्पण। एक क्लास में हम सिर्फ समतल दर्पण के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, फिर क्रमशः पढ़ते जाएंगे। जब समतल दर्पण हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो गोली दर्पण पढ़ेंगे, गोली के दोनों प्रकार को पढ़ेंगे, और फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि हमको 10th क्लास में न्यूमेरिकल्स भी करना है, अभी से हमको आंकिक प्रश्नों को बनाने का आदत डालना है, अदरवाइज हमको 11th 12th क्लास में बड़ी परेशानी होगी। तो आप इतना फंडामेंटल अच्छे से तैयार करके रखिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए। ओके, थैंक यू।